नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सपा के फाइनेंसर्स पर आईटी की रेड, तीन करीबियों पर छापे के बाद अखिलेश बोले, अभी तो इनकम टैक्स वाले आए हैं, ईडी और सीबीआई का आना बाकी। जी हां, आपको बता दें, रेड टोपी वालों पर रेड। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के तीन बड़े नेताओं के ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की छापेमारी हो गई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेन्द्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही है। ये तीनों ही नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। ये पार्टी के फाइनेंसर माने जाते हैं। जैनेन्द्र यादव अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी भी रह चुके हैं। चुनाव के पूर्व हुई इस छापेमारी को सियासी एंगल से भी देखा जा रहा है। तीन करीबियों पर छापे के बाद अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा कि अभी तो इनकम टैक्स वाले ही आए हैं, ईडी और सीबीआई का आना बाकी है। सबसे पहले शनिवार सुबह करीब 7 बजे राजीव राय के मऊ में शहादतपुरा आवास पर छापे की खबर आई। राय 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। राय की दुबई और बेंगलुरु में मेडिकल कॉलेज है। इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे हैं। वे भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राजीव राय शुरू से ही सपा से जुड़े हुए हैं। भूमिहार नेता के तौर इनकी पहचान है। मऊ, पलिया और गाजीपुर क्षेत्र में भूमिहारों में अपनी पकड़ रखते हैं। यह मूलतः पलिया के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव राजीव राय को खुशी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो 3 महीने पहले ही मऊ में शिफ्ट हुए हैं। अभी उन्होंने यहाँ आवास लिया है और अपना कार्यालय खोल रखा है। इधर लखनऊ में जैनेन्द्र यादव की गोमती नगर आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। अखिलेश से करीबी होने की वजह से वे उनके ओएसडी बने थे। इसके बाद जैनेन्द्र यादव ने रियल एस्टेट में कदम रखा। आगरा, लखनऊ और कई अन्य शहरों में जैनेन्द्र की कई जमीनें हैं। इसके अलावा इनकी मिनरल वाटर की फैक्ट्री भी है। मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापेमारी हुई है। वे आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। वे लंबे समय से मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पर काबिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।